खबर रीवा जिले से है, जहां इन दिनों शहर में लगे नए वर्ष के बधाई संदेशों की होर्डिंग चर्चा का विषय बनी हुई है। एक तरफ कांग्रेस शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू द्वारा लगवाई गई होर्डिंग, जिसमें लिखा गया है, नया साल नई सरकार, कल को देने सुनहरा आकार, आ रही है कमलनाथ सरकार। तो वहीं उसी होर्डिंग के पास कमलनाथ की फोटो के साथ ही भाजपा नेता गौरव तिवारी में होर्डिंग लगवाई है, जिसमें लिखा गया है कि कमलनाथ जी को मुबारक हो, नया साल 2023 में फिर कांग्रेस का होगा बुरा हाल। दोनों होर्डिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक तरफ जहां कांग्रेसी को कमलनाथ पर भरोसा है, वहीं भाजपा को भी कमलनाथ से ही खतरा महसूस हो रहा है। इसकी वजह यह है कि 2018 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी से कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे और डेढ़ साल बाद किस तरह से सरकार गिरी और भाजपा की सरकार बनी, किसी से छिपा नहीं है। लेकिन शहर के चौराहों में लगी होर्डिंग, जिसमें भाजपा और कांग्रेस समर्थकों के द्वारा लगाई गई है, लेकिन दोनों की बधाई कमलनाथ के लिए है, जो चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि 2023 चुनाव में जनता ही तय करेगी कि 2023 किसे मुबारक होगा। होर्डिंग लगी है जो आपके द्वारा लगवाई गई थी, नया साल नई सरकार, कल को देने सुनहरा आकार, आ रही है कमलनाथ सरकार। जस्ट उसके बगल में भाजपा के पदाधिकारियों ने होर्डिंग लगवाई है, कमलनाथ जी को मुबारक हो नया साल, 2023 में कांग्रेस का फिर होगा बुरा हाल। क्या उद्देश्य है, क्या मानते हैं, किस तरह का डर है या बधाई है या कुछ अलग? ये होर्डिंग जिस दिन भाजपा के युवा नेता ने लगाई है, उसने पिछले दो वर्षों पे या तीन वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से वो बिल्कुल लुप्त दिख रहा है। चाहे अजय सिंह हो, चाहे बीडी शर्मा हो, या राजेंद्र शुक्ला हो, मंत्री जी हो, उसको उन्होंने हसीये में डाल दिया है। तो ये होर्डिंग वो राजेंद्र शुक्ला जी और शिवराज और मोदी को दिखाने के लिए उसने लगाया है कि तुम चिंता मत करो, कांग्रेस की सरकार आने वाली है। गलती से उसने फ़ोटो वहाँ पर लगानी थी शिवराज की, और मुझे लगता है कि उससे गलती से फ़ोटो साहब की लग गई। तो ये भारतीय जनता पार्टी की कुंठा है। और मैं यहाँ कलेक्टर साहब से कहना चाहता हूँ, कलेक्टर साहब, आपने एक आदेश जारी किया है कि जो भी इस तरह का वीडियो वायरल करेगा, जो भी होर्डिंग लगाएगा, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। तो मैं चाहता हूँ कलेक्टर साहब, न्याय कीजिए। इस तरह की होर्डिंग, मेरी ही होर्डिंग के बगल में इस तरह की होर्डिंग लगा दी गई, तो उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कीजिए। हम यहाँ इसे फाड़ने नहीं आए हैं। हम राजेंद्र शुक्ला जी को, मंत्री जी को, बीडी शर्मा को और शिवराज सिंह चौहान जी को बोल के आईना दिखाने आए हैं कि लोकतंत्र में अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। उनकी भी होर्डिंगें लगती रही हैं, लेकिन कभी भी उनकी होर्डिंगों के नीचे आगे किसी भी प्रकार का कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ नेताओं या कार्यकर्ताओं द्वारा किसी भी तरह का अमान्य रूप से कुछ न लिखा न बोला है। 2018 का चुनाव हुआ, जैसे सरकार बनी कांग्रेस की, फिर कैसे बीजेपी की सरकार बनी पूरा प्रदेश जानता है, देश जानता है। क्या लगता है, फिर से नए साल में इस तरह का बोर्ड लगाना डर है या? देखिए, बोर्ड लूटना, अभय मित्रा जी चुनाव लड़ रहे थे तो रीवा में होर्डिंगें नहीं लग पा रही थी, किसी एक एजेंसी मालिकों द्वारा होर्डिंग नहीं दी जा रही थी। जब होर्डिंग उनको बगल में लगाना, ये बता रहा है कि वो न कहीं राहुल गांधी के कल के बयान से वो सब डरे हुए हों, या स्वीकार कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का जय हिंद हो गया और उसका बंटा धार हो गया। तो नए साल में कुछ आप भी बधाई देना चाहेंगे रीवा या प्रदेश सरकार के भाजपाइयों को? मैं भारतीय जनता पार्टी को बधाई देने जा रहा हूँ कि आप घर बैठने जा रहे हो और आपका अपना विकास, सबका साथ, अब आप समदड़िया का विकास और समदड़िया के साथ दलवाही कीजिए, या जिनको भी आपने ज़मीनें दी हैं पूरी रीवा शहर की, चाहे वो जो भी हो, चाहे जो भी ग्रुप हो, सब कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे उसके हीरो आप हो, शाहरुख खान भी आप हो। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288
5600 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।